हाँ दोस्तों, मैं हूँ राकेश बेदी। आपने मुझे अब तक कोई 150-200 फिल्मों में और ढेरों टीवी सीरियल्स में देखा होगा, भले ही किसी फिल्म का कैरेक्टर हो या फिर ये जो है जिंदगी, श्रीमान श्रीमती, यस बॉस या फिर भाभी जी घर पे हैं का किरदार। हर किरदार और हर गुजरते साल के साथ मुझे मिला है आपका ढेर सारा प्यार, लेकिन जो मैंने गवाया वो है मेरे बाल। क्या है कि आपके बाल हैं तो आप कमाल हैं, वरना आपका बुरा हाल है। क्योंकि अगर आपके बाल हो तो आपको बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है आपके नेम से या फिर सरनेम से। अगर बाल नहीं है तो फिर काहे का नेम और फिर काहे का सरनेम, फिर तो यही है अगर ये। तो आइए अपने बाल उगवाइए डॉक्टर एस क्लिनिक से। नमस्ते जी। नमस्ते, वेलकम टू आवर क्लिनिक। तो दोस्तों, जिस तरह से आपके प्यार और विश्वास ने मुझे एक सेलिब्रिटी और एक ब्रांड होने का एहसास दिलाया, उसी तरह से अपने बालों के ट्रांसप्लांट के लिए मैंने विश्वास किया है इस क्लिनिक पर, डॉक्टर अरविंद ओसवाल के ट्रीटमेंट पर। और ये एक ऐसा ब्रांड भी है जिसे फिल्मों के ऑस्कर जैसे यूएस से हेयर साइंस अचीवमेंट का अवार्ड पिछले 6 साल से लगातार मिला। एक ऐसा ब्रांड भी है जिसने मेरे कई फिल्मी साथियों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया। दोस्तों, मैं इस समय बैठा हूं डॉक्टर अरविंद ओसवाल के साथ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, कैसे हैं आप? आई एम गुड। डॉक्टर साहब, मैंने काफी सुना है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, लेकिन अब भी मेरे मन में कुछ सवाल है जिनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये है, सर एकदम पतझड़ होता है, एकदम बैरन होता है, मतलब बिल्कुल टकला, उसके सर पे आप लोग बाल कैसे उगा देते हैं? यानी सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट विज्ञान जानना चाहते हैं तो वो बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा किसी के भी ये वाले बाल नहीं जाते सर के पीछे, साइडों के, दाढ़ी के, बॉडी के, चाहे जितने भी बुजुर्ग हो जाए। करेक्ट, ये होते हैं परमानेंट बाल। इनकी जड़ लेके हम कहीं भी लगाए तो वो वहाँ पे भी जिंदगी भर उगता रहता है। उन बालों को आप कट कर सकते हैं, शेव करवा सकते हैं, इस चीज को हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? देखिए, दो चीजें हैं, मैंने अभी बताया साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जी, और एक होता है आर्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। साइंस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी यहाँ से बाल लिया और यहाँ लगाया और वहाँ उगेगा। लेकिन दूसरा चीज होता है आर्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। आर्ट क्यों? बाल लगाया यहाँ से लेके तो उसको इस तरह से लगाना है कि जब वो उगे तो सामने से देखने वाले को पता नहीं चले कि ट्रांसप्लांट के बाल है। पुराने जमाने में होते थे वो लोग गुच्छा गुच्छा लगा देते थे तो उनसे पता चलता था जी, वहाँ भी बाल उगते थे जी। लेकिन साइंस अब आर्ट के साथ जब मिली तो इस तरीके से हो गया कि ट्रांसप्लांटेड बाल का पता ही नहीं चलता कि ट्रांसप्लांट किया। तो मतलब आप डॉक्टर के होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी? सही माने में कहा जाए तो आप एक बाल कलाकार। आप मेरे से बड़े आर्टिस्ट है सर। कलाकार है, बालों के कलाकार, बाल कलाकार। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने मेरे निभाए हुए हर किरदार पे विश्वास किया, उसी तरह से मैंने भी विश्वास किया डॉक्टर एस क्लिनिक पर। तो आप खुद भी आइए और अपने जानने वाले हर सेमी टकले को, वेरी टकले को, फुल टकले को लाइए और अपने बाल उगवाइए डॉक्टर एस क्लिनिक। अरे ये क्या है? डरिए मत, आपके बाल नहीं निकालूंगा, सिर्फ चेक कर रहा हूँ। ओके। बाल चेक करने के लिए जी, इससे बालों की एक एक जड़ का पता चल जाता है। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, जुए भी दिख जाती है। जुए है तो नहीं कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाल एक एक जड़ दिख रही है, वो बढ़िया जड़ है, ट्रांसप्लांट के बाद बढ़िया हो गई। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया है। जैसा आप देख रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, अगर मैं चाहूँ तो मैं गाड़ी खुद चला के भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर एस क्लिनिक में आकर मैं बाल बाल बच गया।